अदाकारा वीना मलिक और असद खटक के ताल्लुकात में नया मोड़। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने नाराज जोड़े में सुलह करा दी। असद खटक ने वीना मलिक से माफी मांग ली, आइंदा गलती ना दोहराने का आज़्म। कराची में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। खुफिया तला पर न्यू कराची में निजी स्कूल पर छापा, जेरे जमीन छुपाया गया असलहा बरामद। रेंजर्स के मुताबिक असलहा एमक्यूएम लंदन से ताल्लुक रखने वाले शरपसंद अनासिर ने दहशतगर्दी की नीयत से छुपाया था। कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स बड़े बाअदब हो गए। पहले सलाम करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, फिर चुपके से हथियार दिखाया, जेबों का किया सफाया और हो गए 9-2-11। शहर में गोश्त की दुकानें लूटकर बारबेक्यू पार्टी करने वाले डाकू पकड़े गए, ताल्लुक कसाब बरादरी से ही निकला। कराची में 500 अरब रुपए मालियत के रिफाई प्लॉट्स की बंदर बांट करने वालों के गिर्द घेरा तंग। नैब ने 30 साल पुराना रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। कई सरकारी इदारों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। केएमसी और केडी अफसरान को तलब कर लिया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला अस्करी और सिविल हुकाम की अहम बैठक। ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर पेशरफ्त और कामयाबियों का जायजा। ऑपरेशन की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। वफाक और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसल अमल दरामद यकीनी बनाएं, इजलास में इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को गद्दार करार दे दिया। जो शख्स अमरीका जाकर गद्दारी करे उसे जेरे बहस लाना ही फजूल है। खुर्शीद शाह ने दामन झाड़ लिया। अरकान पार्लियामेंट ने हुसैन हक्कानी के बयान को लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। जिस तरह के स्टेटमेंट ये लोग अपने आप से दे रहे हैं तो ये मुल्क के लिए काफी नुकसानदेह है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट ना दे तो ज्यादा बेहतर है। पार्लियामेंट लॉबी में झगड़े की तहकीकात मुकम्मल। कमेटी ने दोनों अरकान को जिम्मेदार करार दे दिया। मुराद सईद की असेंबली रुकनियत 2 दिन और जावेद लतीफ की 8 दिन के लिए मुअत्तल करने की सिफारिश। पीटीआई ने सिफारिशात मानने से इनकार कर दिया। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल का मुकदमा लीगी एमएनए सुहेल भट्ट के खिलाफ दर्ज। जयालों की बर्दाश्त खत्म हो गई तो नवाज हुकूमत को भागना पड़ जाएगा। बिलावल भुट्टो की घन गरज। पसमानदा इलाकों के तलबा का जीएचक्यू का दौरा, आर्मी चीफ से मुलाकात। सिपा सरार ने नौजवान नस्ल को कीमती असासा करार दे दिया। कहा नौजवान नस्ल को कौमी वहदत और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए, बुलंद मकासद के लिए बेहतरीन तालीम हासिल करने पर जोर। किसने पहनाए ये झुमके? कहां से आया कचरा? कहां से आए हैं ये झुमके? किसने फेंका कचरा? ये किसका कचरा? तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हुए हैं ये झुमके? टीवी भी चलता है कचरा, हवान में चलता है कचरा, बात होती है सिर्फ कचरा कचरा। कहां से आया ये कचरा? किसने फेंका है ये कचरा? किसका है ये कचरा? कचरे पर सियासत के बाद कचरे पर शायरी भी आ गई। सिनर असेंबली में एमक्यूएम के रुकन दीवान चंद चावला के अशार ने अरकान खूब महसूस किया।
और पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल में फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश, कहते हैं राबिता करने पर मुकी को शटअप कॉल दी थी, वालिदा की बीमारी के बाइस बोर्ड को आगाह न कर सका, बयान रिकॉर्ड करा दिया। शहरियार खान कहते हैं मैच फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ी का करियर खत्म कर देंगे।